आज हमारे यहाँ कीर्ति आदालकर जी आए हैं, एक्ट्रेस है, काफ़ी सारी फिल्मों और सीरियल में काम करते हैं। तो आप बताइए, आज स्टूडियो में दिवाली मनाने के लिए दिवाली सम्मेलन समारोह है, तो संजय बेडिया जी का ये स्टूडियो है और हमारे 20 साल पुराने रिलेशन में हमारे मिलते रहते हैं और इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। इसको भी 4 साल हो गए और बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुक गया, मगर फिर से भी शुरू हो चुका है। तो दिवाली सम्मेलन है तो सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 2 साल से हम सारे लोग घर में अंदर, लॉकडाउन, कोरोना, दिस दैट, नो प्रॉब्लम, समय आता रहता है और समय जाता रहता है, उसमें कोई एंजॉय दिवाली, डू इवेंट्स, बट प्लीज़ फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल, डोंट फॉरगेट द मास्क, माय मास्क इज आल्सो देयर देयर। और संजय बेरिया जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया इस सम्मेलन के लिए, तो मैं आपका बहुत आभारी, बहुत मैं आपकी आभारी हूँ। और यहाँ पे हम, ये बेडिया फिल्म प्रोडक्शन है इनका, उनका ये स्टूडियो है, तो बहुत ही शानदार स्टूडियो है, आई मस्ट से दैट, आई मस्ट से दैट। और आपने ये जो यहाँ पे, वहाँ पे जो ये जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं और उसका जो ख्याल रखा है आपने, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, तो बहुत ही अच्छा है, एंड इवन द हाइट एंड एवरीथिंग, यू नो, तो ये स्टूडियो बहुत ही लाजवाब है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे काफ़ी सारा शूट हुआ है, बड़े बड़े फिल्म के फोटो शूट होते हैं, जैसे ग्रुप में होता है, स्पेस चाहिए होती है, वैसे स्पेस, क्रोमा शूट होता है, क्रोमा है, डांस है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है। हमारे यहाँ MPL की शूट, IPL की शूट, फ्लिपकार्ट की शूट हमेशा होती है और मेरे परमानेंट क्लाइंट हैं। और मैं सबसे पहले, आप मेरे स्टूडियो पर आई, मैं आपका दिल से हार्दिक आपका स्वागत भी करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष आपके लिए शुभमय हो, ऐसी भगवान से विनती करता हूं। आप यहां आते रहें स्टूडियो पर, आपके फोटोशूट, फिल्म शूट, जो आपको करना है करें, ये स्टूडियो को आप अपना स्टूडियो समझें और आप आए, मेरी ऐसी निवेदन है। मुंडे जी, ये आपका ही है और आप भी आते रहें और आपके चरण जब आ जाते हैं, जब लक्ष्मी भी आती है। सर, इसमें क्या सॉन्ग वगैरह भी रिकॉर्डिंग होएगा इस स्टूडियो में आपके? अभी अभी राखी सावंत के सारे गामा का जो गाना था दिल में, एंट्री पूरा यहीं शूट हुआ। अच्छा जी, राखी ने पूरे दिन भर में एक गाना उड़ाया, बड़ी मेहनती लड़की है वो, 6 बजे आई और शाम को 11 बजे तक उसने काम किया, पर एक गाना पूरा कंप्लीट किया। मेहनत के बिना तो आदमी कहीं, वो बहुत मेहनती हैं राखी, बहुत मेहनत, काम में पहुंचना है तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। राखी आने वाली थी, पर कलकत्ता में है तो उसने मुझे कहा, वो मुझे दादा कहती हैं, बड़ा भाई कहती हैं, हमेशा मेरे से एडवाइस लेती हैं हर काम की, उसके कुछ दुख सुख की बात होती है तो मुझे फ़ोन करती हैं, दादा मैं क्या करूँ इसमें, आगे कैसे बढ़ूँ। और उसने जिद कर सारे गमा से कहा कि मैं यहीं शूट करूंगी और मैं कहीं शूट नहीं करूंगी, और वो यहीं शूट करती है। धन्यवाद। और सर, बेदिया की तरफ से और क्या क्या प्रोजेक्ट आएंगे अभी आपके स्टूडियो के माध्यम से? हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, यूट्यूब के लिए हम वीडियो बनाते हैं, हम बहुत से प्रोजेक्ट हैं, हम फिल्म बनाते हैं हम, पर कोरोना ने रोक कर रखा है, देखते हैं कि कोरोना कितना फ्री हैंड देता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और जो सर, जो नए उभरते हुए कलाकार, उनको किस तरह का मौका दिया जाएगा? ना ना, मेरे यहाँ कोई भी आए कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मुझे चेक की ज़रूरत होती है, चेक लेकर आए और अपना काम दिल से करें, सिर्फ उनको चेक लाना है, बाकी मैं कैमरा, लाइट, DOP, एडिटिंग, सेटअप सब करके दूंगा उनको, सिर्फ आए और अपना मटेरियल बनाकर लेकर जाए, इतनी ही मैं उनकी मदद करता हूँ। और जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए प्रोडक्शन वाले होते हैं, तो मैं उनको पूरा कॉपरेट करता हूँ, पैसे से लेके हर काम के अंदर, मैं उन्हें गलत रास्ता नहीं दिखाता।
कीर्ति जी के जी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया है, आप बताइए। कीर्ति जी आप अपना बताइए, क्या क्या कमिंग अप प्रोजेक्ट आपके हैं वर्क? कुछ ना, अभी देखो दो साल तक तो थोड़ा सा सभी को थोड़ा थोड़ा बहुत चल रहा था। मेरी एक सीरियल आ रही है द ग्रेट मॉम स्वामी विवेकानंद जी, उसमें रानी रोशनी का किरदार रोल कर रही हूँ, तो उसका एक शेड्यूल हमारा पहले हो गया था ये सेकंड लॉकडाउन के पहले, अभी दूसरा नेक्स्ट मंथ से वाराणसी के आसपास शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑर्डर करके एक वेब सीरीज है जो लॉयर्स लॉ एंड क्राइम इससे रिलेटेड है, वो एक फिर शुरू हो जाएगी। एंड चिमाजी अप्पा एक मराठी मूवी है, काफ़ी अलग और काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो भी मैंने साइन की है, तो वो भी दिसंबर के एंड में शुरू हो जाएगा। आज आप स्टूडियो पे आए तो कैसा लगा मैम स्टूडियो आपको देख के? नहीं, वही मैंने पहले ही बताया, बहुत अच्छा लगा और इनसे मिलके दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मैं मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को दिवाली के लिए और इस एडवेंचर अभी आफ्टर द लॉकडाउन और अच्छी तरह से चले, ये मेरी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी सर, दो साल के बाद आपने दिवाली का ये प्रोग्राम रखा है, लॉकडाउन था पीछे, तो कितना मिस किया दो साल आपने दिवाली जो इस बार आप कर रहे हो? पूरा वर्ल्ड मिस कर रहा है हैदर मियां, पूरे मुंबई मिस कर रहा है, पूरी इंडस्ट्री मिस कर रही है। जितना सबने किया उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने भी किया, क्योंकि आपको भी दो साल के बाद देख रहा हूँ, तो मुझे मतलब सफ़र तो सबने किया है, मैंने भी किया है, तो सभी ने किया है। पर खैर, देर आए दुरुस्त आए, कोई चिंता नहीं, आगे के दिन अच्छे होंगे। और अभी अभी कल एक न्यूज़ आई है कि यूके के अंदर कोरोना की टैबलेट भी बन गई है, कि अगर कोरोना हो और उसे टैबलेट दे दे तो दो दिन में क्योर हो जाएगा। तो मतलब कोरोना एक फ्लू जैसे छोटी मोटी बीमारी जैसे रह जाएगा, तो कोई चिंता नहीं है, इससे बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, प्रोडक्शन हाउस को बूस्ट मिलेगा, मीडिया को बूस्ट मिलेगा, हम अच्छी तरह से काम कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात हम सोशल गेट टुगेदर कर सकेंगे, जो नहीं कर पा रहे थे हम किसी के साथ। मैम आपने कितना मिस किया है दिवाली को? अभी ये साल बहुत लोगों ने खुशी से एंजॉय किया है दिवाली को, दोस्त मिले आपस में, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, लेकिन जो दो साल गुजरे हैं बहुत डेंजरस गुजरे हैं, लोगों से छूट गए, जुदा हो गए, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अभी आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, जो भी जिन भी फैमिलीज ने किसी को खोया है, मेरी पूरी सहानुभूति और मेरी संवेदनाएँ, मगर जीवन में ये ऐसा उतार चढ़ाव हमेशा आता ही रहता है जी। और अभी हम जो हमने मिस किया उससे ज़्यादा अगर हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमने उस समय में क्या पाया, तो शायद इस पॉजिटिविटी के साथ, इस यानी इस विचार के साथ हम और आगे अच्छी तरह से जा सकते हैं, ऐसा मेरा अपना विचार। सर, कोई ऐसा दोस्त आपका जो मिस किया हो आपने दो साल में और कोरोना के टाइम पे वो भगवान को प्यारा हुआ और आपको अब याद आ रहा हो, कोई ऐसा कोई खास ऐसा? मैं एक दोस्त नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों दोस्त बता सकता हूँ जो मेरे मोबाइल में से अगर मैं आज तक उनका नाम डिलीट नहीं कर सका। मेरे एक दोस्त थे अब्दुल रहमान, और मतलब अब्जोपति, बहुत नेक दिन इंसान, इतने अच्छे इंसान। रात को 10 बजे वो हॉस्पिटल गए, हमने पूरी रात कोशिश की, हमको रूम नहीं का मिला, मैंने सीएम तक बात की, डिप्टी सीएम तक बात की, मेयर तक बात की, पर कोई रूम हमको, सब यही कह रहे थे कि सुबह 10 बजे आपको हम रूम दे देंगे, पर वो एक रात सरवाइव नहीं कर सका। ऐसे बहुत से दोस्त, बहुत से यार, बहुत से ऐसे दोस्त जो रोज़ मिलने वाले, तो ये जो दुख और ये जो गम है ये तो हम भूल नहीं सकते, हम भूल नहीं सकते। ऐसे लोगों को खोया है मैंने कि आप खुद भी देख लीजिए, आपके मोबाइल में से देखिए, फेसबुक में से देखिए, मतलब एक जिसका मोबाइल है उसमें से कम 25-30-40 लोग गए हैं एक आदमी के, अगर मैं एवरेज निकालूं तो ऐसे तो लाखों लोग गए हैं। बाकी ये तो सरकार का काम है कितने गए हैं कितने नहीं, पर मेरे बहुत गए हैं और मैं बहुत दुख के साथ में ये विषय को रख सकता हूँ। आगे आपका मतलब एक आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मार्केटिंग सोशल मीडिया से जुड़े भी हुए हैं, आप सोशल वर्क भी करते हैं सर, तो आगे आपने कुछ प्लान सोचा है बॉम्बे में? जैसे हवा है कि चौथी वेव आएगी या तीसरी वेव आएगी, अभी तक तो आई नहीं है और ना आए, हम तो ये चाहते हैं,
लेकिन आपका हाँ। कुछ प्लान है ऐसा कि देखिए मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ, मैं कोई सरकार तो हूँ नहीं कि मैं प्लान कर सकूँ। अपने अपनी जेब के अनुसार सोशल वर्क होता है, जिसका हाँ। जितना जेब भारी होता है, मेरी जितनी औकात है मैं करता हूँ। मैं कोई ना वेव को रोक सकता हूँ, पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की, 100 करोड़ लोगों को उन्होंने टीका दिला दिया, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी है। तो आप ये सोचिए कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना कोई मामूली बात नहीं थी, और यह थर्ड वेव शायद उसी के कारण रुका हुआ है। तो मुझे नहीं लगता, और जब जो कुछ मेरे से बन सकेगा, जो मैं करता हूँ लोगों के लिए, वो मैं करते रहूँगा। जब तक भगवान मुझे मेरी जेब को सलामत रखेगा, तो मैं उसमें से जरूर एक हिस्सा निकाल के वो करते रहूँगा, करता हूँ, करते रहूँगा। थैंक यू। और समाज सेवा ये क्या है, ये जज्बा है, ये यहाँ होता है, वो स्वभाव ही होता है। कोई बस ऐसे देख के आगे चले जाते हैं, कोई उसमें होते हैं, वही जाके वहाँ जाके मदद करते हैं। तो ये तो अगर इनके जैसे और भी अगर समाज में रहे तो फिर बहुत अच्छी बात है। और कोई भी सोशल वर्क पैसे से नहीं होता, उसके लिए विल पावर चाहिए, जाने की ताकत चाहिए, मेहनत करने की ताकत चाहिए, इच्छा इधर होना चाहिए, इच्छा शक्ति की इसमें जरूरत होती है। तो पैसे तो बहुत खड़े हो जाते हैं, जब इच्छा शक्ति होती है तो पैसे आ ही जाते हैं। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं काम करने वाले, ये देश के अंदर एक ही चीज तो है कि हम मिलकर कुछ ना कुछ करते कर देते हैं, जो हमको विदेश में देखने नहीं मिलती। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब सोशल वर्क किस तरीके से किया जाए, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का साथ दें। मैं तो आज सुबह उठकर एक चीज सोच रहा था कि सोशल मीडिया इतना अच्छा माध्यम है, इससे इतना अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, इतने इतने सुंदर सुंदर काम किए जा सकते हैं। जो मूर्ख जो बेवकूफ लोग सोशल मीडिया का गैर वापर करते हैं, सिर्फ इतना कम हो जाए ना, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे, मेरी फिर जरूरत ही नहीं होगी। मैडम नारी शक्ति को किस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए, थोड़ा कुछ बताना। देखिए हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ पे नारी शक्ति का हमेशा मान किया गया है, हमेशा सम्मान किया गया है। तो मैं यहाँ अपने हिंदुस्तान में रह के तो मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि कहीं भी आप जाओ, किसी भी उम्र की फीमेल, यानी वेदर इट गर्ल है, यंग गर्ल है, या बुजुर्ग है, या कोई भी महिला है, तो उसे हमेशा सारे अपने यहाँ सम्मान से ही पेश आते हैं। अपने यहाँ तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं कुछ गलत शलत, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मीडिया का बहुत अच्छा, मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, सोश पूरी पूरे समाज को बदलने का उसमें सामर्थ्य है। तो अगर हम उसका उसी में कहीं कुछ जो नहीं देखना चाहिए और जिस उम्र में नहीं देखना चाहिए ऐसा कुछ देख लेते हैं और कुछ गलत हो जाता है। नहीं तो नारी तो अपने यहाँ बहुत सम्मानित है, और पुरुष किसी भी पुरुष के साथ के बिना नारी आगे नहीं जा सकती। मैं भी आज कुछ कर रही हूँ तो मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ तक पढ़ाया तो मैं कुछ कर पाई हूँ। मेरा भाई मुझे रात रात तक ट्यूशन के लिए या मेरे ड्रामास के प्रैक्टिस के लिए ले जाता था, लाता था, तो मैं वो कर पाई। माई हस्बैंड ही इज़ नाउ सपोर्टिंग, नाउ माई सन, गो माँ आई विल सी दिस ऑल, यू डोंट वरी। तो ये जो है ये तो सारे पुरुष है भाई, उनके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही सही। तो नारी आगे जा रही है तो उसके पीछे पुरुष ही है, इसलिए वो आगे जा, ये नारी ने कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।